भारत के व्यस्त सड़कों में, रंगीन भीड़ में एक ऐसी जगह है जो लाखों लोगों के लिए एक खास आकर्षण है, चाय की टपरी। यहाँ वार्ता तेजी से चलती है जैसे गरम गरम चाय की प्यालियां। चाय की टपरी, ये ना सिर्फ चाय का एक मधुर और गर्म स्वाद है बल्कि यहाँ की कहानियां, हंसने की लहर और रिश्ते बनाए जाते हैं। इस जगह की असली जादूगरी चाय में नहीं बल्कि उस चाय की प्यालियों के साथ साजी गई और की गई कहानियों में छुपी है। चाय की टपरी यानी कि चाय की दुकानें महीनों से भारत के समाज का आवश्यक हिस्सा रही है, लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाकर। ये बेसहारे दुकानें जो आम तौर पर सड़कों के कोने में या बाजार के भीड़ भाड़ में स्थापित होती हैं, सिर्फ एक बर्तन जलाने का उपकरण नहीं है, ये दोस्ती और रिश्तों की जगह है। चाय की टपरी का प्रारंभ अंग्रेजी साम्राज्य काल में हुआ था, जब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय को भारत में प्रस्तुत किया। लेकिन जल्दी ही चाय भारत की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। जब भारतीय मसालों का स्वाद चाय के साथ सहजकार हो गया और इससे प्यारी मसाला चाय का जन्म हुआ। चाय की टपरी अपने समय के साथ मॉडर्न जमाने का सामना कर रही है। जब दुनिया में परिवर्तन हुआ तब इन दुकानों ने भी अपने आप को बदल लिया। आजकल कुछ चाय की टपरियां बदल गई हैं, नए तरीके से चाय प्रदान कर रही हैं, अलग अलग चाय मिश्रणों को उपयोग में ला रही हैं, नए स्नैक्स और सुविधाएं प्रदान कर रही हैं, और साथ ही साथ समुदाय की जुड़े हुए जज्बात और सहयोग का आभास करती हैं। चाय सुटक बार के आसपास गेड़ी लगा रहे थे तो हमें कुछ कस्टमर्स मिले जो जिनके हाथ में कुल्हड़ मैंने देखी। वो कुल्हड़ का जमाना ही चला गया अगर हम देखें तो, अब तो वो कप्स डिस्पोजेबल के आ गए हैं। तो मैं इनसे इंटरेक्ट करके इनसे पूछूंगा कि इनके लाइफ में चाय का क्या रोल है। हेलो मैम, कैसे हो आप? हेलो सर, ग्रीटिंग्स टू यू ऑल। आप अगर बताना चाहें कुछ शब्दों में कि चाय का आपके लाइफ में क्या रोल है तो आप क्या बोलेंगे? चाय की तो बहुत ही अहमियत है हमारे, सुबह शुरुआत इसी से होती है और शाम की चाय भी हम छोड़ नहीं सकते हैं, और कोई गेस्ट आए तो सबसे पहले चाय ही ऑफर की जाती है। अभी आजकल के टाइम में हम देखें सर तो कहीं ना कहीं देखते हैं कि फ्लेवर्स वाली चाय मिल रही है, वो कहीं ना कहीं मसाले वाली चाय, वो अदरक वाली चाय सुबह से जो मिलती थी। ऐसे है, हम जो घर में भी लेते हैं सर्दियों के टाइम में अदरक ही लेते हैं जी, खुद अदरक डाल के दालचीनी वाली चाय तो है ही बेस्ट है। इलायची भी डालते हैं, ऐसा नहीं है पूरा वो लेते ही हैं जो चाय के अंदर हमारा चाय वो उसी तरह का भी रहता है कि एक काढ़ा कहते हैं क्या बात है, तो उसके हिसाब से भी यूज होता है, अदरक भी डालेंगे सारी चीज करेंगे, तो इसमें हमारी कई इंटरनल जो हम बाहर पीते हैं जैसे बच्चे लोग नहीं पी पाते हैं घरों में नहीं बना पाते उनके लिए ये बेस्ट है। हाँ ये तो बात है, और ये है कि कुल्हड़ की चाय पीने का हम स्पेशली इसी के लिए आए हैं। क्या बात है, वो कुल्हड़ का मजा ही अलग है। तो कहने का मतलब ये है कि हम पिछले उसके हमारा जो कल्चर है जो इंडियन कल्चर है हम उस पे जाना चाहते हैं। ये बना हम तो घर में भी जो है वो मिट्टी के बर्तन ही लेके दाल बनानी है ये करना है स्पेशल, मतलब वो होता ही है। क्या बात है, वो ये नहीं है हम तो अवॉइड करते हैं एल्युमिनियम के बर्तन में कोई भी चीज लाइक ही नहीं करते। क्या बात है, तो कहने का मतलब ये है कि भले ही टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ गई हो, हम समय से आगे चले गए हो, लेकिन वो अदरक वाली चाय और नींबू वाली चाय की महक आज भी घरों से आती है। चाय की टपरी का सांस्कृतिक महत्व के आगे ये भारत की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चाय पीते पीते देश के राजा बन के बैठे हैं पूरे इंडिया। ये छोटी चाय की दुकानें अनेक लोगों को रोजगार प्रदान करती हैं, रोजगार के अवसर पैदा करती हैं और स्थानीय समुदाय में योगदान देती हैं। अगली बार जब आप भारत की सानवील सड़कों पर खुद को पाते हैं, नजदीकी चाय की टपरी खोजें, रंगीन माहौल में डूब जाएं और अपने हाथ में लिए गए चाय की प्याली के साथ यहाँ की कहानियों को सुनिए, जिए और अनुभव कीजिए।